हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनअकैडमी। सो बच्चे, आरोहण क्रैक प्लेम्स 2021 में जो भी सीरीज हैं सभी एजुकेटर्स की, वह आप सभी को प्रीलिम्स के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है, ताकि हिंदी मीडियम में स्पेशली आपकी भले मेंस की तैयारी हो, बट पीटी जहां रुकता है उस पर कैसे हमें टारगेट करना है उस चीज को समझिए। तो सभी एजुकेटर्स के जो वीडियो है बच्चे देखते रहे, शॉर्ट नोट्स बनाते रहे, उनका लगातार जो रिवीजन है उसे भी करते रहे। सो, आज हम देखेंगे पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 8 में। आज हमारा लास्ट वीडियो है इसका, है ना, मतलब एनसीईआरटी क्लास 8 का, क्लास 8 पॉलिटी का आज लास्ट वीडियो है। लास्ट के 9 एंड 10 चैप्टर्स हम देखेंगे। बीच में जो कुछ टॉपिक्स आपके रह गए हैं, कल जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगी तो उन मुद्दों पर स्पेशली फोकस करूंगी। अब बीच में जो स्टूडेंट्स आते हैं, जिन्हें जो बीच में अगर चिल्लाने लग जाए कि मैम वो टॉपिक छूटा है, ये चैप्टर छूटा है, तो आप प्लीज कमेंट करके आगे बताइएगा, क्योंकि जब मैं क्लास फ्लुएंटली लेती हूँ तो समटाइम्स आप सभी के जो मैसेज है बच्चे मैं देख नहीं पाती हूँ, है ना, लाइव चैट। तो आई होप सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे। साजिया, सोनी, संगीता, गजेंद्र, रूबी, शिविका, गीता, सभी बच्चों के लिए आसिम, शालिनी, इंद्रजीत, शिवम, अनिल, डिंपल, आनंद, अंजलि, अरुणा, बंटी, सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत। कार्तिक, गुड मॉर्निंग। नेहा, चलिए सो शुरू करते हैं। क्लियर? तो जो भी स्टूडेंट बच्चे, आप सभी को पिंड मैसेज दिख रहा होगा ना ब्लू कलर वाले से, तो उसमें इनरोल कर दो। अभी भी जो सभी 2.0 के वीडियोस हैं आप सभी आराम से एक्सेस कर सकते हैं, काफी बेनिफिट्स हैं आप सभी के लिए, आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए। सो बच्चे, डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को एंड मेरी फ्री क्लासेस को एक्सेस करने के लिए कोड यूज कीजिए Manju101। काफी सारे कोर्सेज एंड क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको बच्चे डाउनलोड करना है। एंड कौन से बेनिफिट, देखो जो बच्चे प्लस लेने वाले हैं या ले चुके हैं, उन सभी बच्चों के लिए बता दूं कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको बच्चे इस चीज के। एक तो फुल आपका कोर्स, जैसे आप कहीं ऑफलाइन जाते हो ना तो बस वैसे ही, लेकिन हाँ ये है कि ऑफलाइन में आप जाते हो तो आपको ऐसे मार मार के समझाया जाता है, दैट मीन्स डेली आपको नहीं इतना होमवर्क करना है या फिर नेक्स्ट डे टेस्ट होगा। अब ये है कि आपको थोड़ा सा अनुशासित होना पड़ता है, जब आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो आपको थोड़ा सा उस चीज़ में थोड़ा एक डिसिप्लिन, एक डेडिकेशन दिखाना होता है कि आप कैसे कंटिन्यूसली अपना जो आपने स्टडी का टाइम टेबल बनाया, शेड्यूल बनाया, कैसे उसको फॉलो कर रहे हो, कितना आप टाइम दे रहे हो किस तरीके से दे रहे हो, है ना। तो ये सारी बातें बच्चे, क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि आपको डेली लाइव क्लासेस इसमें मिलती हैं। एंड साथ ही साथ फुल स्ट्रक्चर कोर्स होते हैं आपका, लाइन वाइज लाइन विथ टॉपिक, जो आपका फुल पूरा फुल सिलेबस है बच्चे में कवर कराया जाता है। लाइव टेस्ट एंड क्विज होते हैं। तो आप अगर जितना सिंसियरली लोगे इन चीजों को कि ठीक है मेरा ये टॉपिक हो गया, मैंने इसको पढ़ लिया, और जब क्विज होते हैं या फिर टेस्ट होते हैं, देन आपका क्या परफॉर्मेंस है, अगर आपको लगता है कि नहीं कम है तो फिर से उसको करो, ठीक है। मैं अलग से सभी बच्चों को नहीं बता सकती, अगर मुझे डेली आप सभी 200-250 में से जनरली आप सभी के टेलीग्राम पर मुझे होते हैं, मैं उतने बच्चों को एक साथ अटेंड नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं कि अभी सुन लो कि आपको फिर लाइव टेस्ट देना है, क्विजेस देना है, देन आपको फिर मेजर करना है उस चीज को कि आपकी जो प्रिपरेशन है वे कितनी सही है। अगर नहीं है तो फिर आपकी सिंसियरनेस, आपका अटेंटिव, आपका डेडिकेशन कम है, फिर से आपको वो वीडियोस देखना है, फिर से उसका पीडीएफ पढ़ना है, या जो बुक्स रिकमेंड की जाती है एनसीईआरटी एंड प्लस कोई एक स्टैंडर्ड बुक, उसको फॉलो करना है, क्लियर। एंड बच्चे अनलिमिटेड एक्सेस होता है, जो भी वीडियोस आपको मिलेंगी सारे कोर्सेज अवेलेबल है। इवन यूपीएससी में मैं आपको बताऊं, एक मिनट रुको पानी पी लूं, तो देखो यूपीएससी में स्पेशली बहुत अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बिल्कुल भी शंका ना रखें। सिद्धार्थ अरोरा सर का पॉलिटी एंड मंजेश सर का भी पॉलिटी अवेलेबल है, ठीक है। मृणाल पटेल सर के इकोनॉमी के पूरा कोर्स अवेलेबल है बच्चे, बहुत अल्टीमेट कोर्स है। एंड बाकी भी बहुत अच्छे जो टॉप 100 एजुकेटर्स है उनका यूपीएससी पे कोर्स अवेलेबल है, आगे देखते हैं,
ठीक है। सो देखो, जो बच्चे प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सभी को बता दूं, 1 मार्च से पहले ले लो, ज्यादा दिन नहीं बचे, क्योंकि 1 मार्च से डिस्काउंट 5% हो जाएगा। अभी 10% है। अपने पैसे बचाने के लिए 10% डिस्काउंट के लिए कोड यूज करो Manju101। 12 मंथ का देखो 3713 आफ्टर डिस्काउंट आपका इंस्टॉलमेंट होगा और 44,000 फीस होगी। क्लियर? चलो, और जो 2 साल का चाहते हैं वो देख लो, 64,000 फीस होगी, 64,865 समझ लो आफ्टर डिस्काउंट। क्लियर? जो बच्चे आइकॉनिक ले रहे हैं, देखो आइकॉनिक का ये आफ्टर डिस्काउंट वाला चार्ट है, इसमें भी शायद बच्चे 3713 रुपए आपका मंथली ईएमआई आएगा, 62,000 फीस है। अगर 2 साल का जो बच्चे लेना चाहते हैं तो 96,000 फीस है, एंड देन 4,000 कुछ ईएमआई है, देख लीजिएगा। कोड है Manju101। जो बच्चे लेना चाहते हैं, मैं पर्सनली, मुझे टेलीग्राम पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइकॉनिक में आपको एक मेंटर मिल जाएगा, आइकॉनिक में और प्लस में ये अंतर, इसमें आपको मेंटर मिलेगा जो डेली आपको होमवर्क, डेली आपको स्टडी का टाइम टेबल देगा, क्लियर, फीडबैक भी देगा। ऑप्शनल के लिए जो बच्चे करना चाहते हैं, ऑप्शनल आपका 6 महीने में हाथ में अच्छे से आ जाता है, 20 इसका फी है बच्चे, ठीक है, 2200 रुपये कुछ फीस है, और Manju101 कोड है 10% डिस्काउंट के लिए। चलो, और जो बच्चे 22 और 23 में अपियर हो रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए बता दूं कि 25 जनवरी से काफी सारे कोर्सेज जो है वह शुरू हुए, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर के, तो आप इसमें किसी में भी पार्ट ले सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। चलो अब आ जाओ, सो नाउ 6, 7, 8 कंप्लीट हो गया आज, यानी अभी आप 2 घंटे बाद आपका यहां तक का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे 9 और 10 में, थोड़ा सा अब आपकी जो समझ है पॉलिटी के सारे वर्ड्स पर बन चुकी है, कि किस शब्दों को क्या कहेंगे, एक परिचय आपका हो चुका है कि क्या सरकार है, कैसे वह क्या करती है, क्या संविधान है, और क्यों हमें संविधान की आवश्यकता होती है, एंड वर्तमान में बाकी सारे एस्पेक्ट्स है ना। तो आप एक तरह से मैं ये कहूं कि आप 20% जो पॉलिटी है उसके एक क्रक्स को तो समझ ही चुके हैं, कि कहां से चीजें शुरू होती हैं, बेसिक क्या है, काफी सारे क्वेश्चंस भी हमने साथ ही साथ डिस्कस किए जो पूछे गए हैं और जिनकी संभावना है वह भी, है ना। तो ये हमारा सामाजिक और राजनीतिक जीवन पार्ट 1, पार्ट 2 और आज पार्ट 3 आपका फिनिश हो जाएगा। फिर आगे बच्चे कल तो आपका रिविजन होगा इन तीनों का, अलग अलग रिविजन का फायदा नहीं था कि बहुत ज्यादा कॉन्टेंट इसमें बच्चे है नहीं, तो कल है आपका एक रिविजन क्लास, और याद रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है कल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट सेशन भी कल ही है आपका, सभी बच्चे कल की क्लास को आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा 11 बजे से शुरू हो जाएगी, सारे इसमें एमसीक्यूज होंगे, और सारे एमसीक्यूज कोशिश करूंगी जो आपको बता दिए हैं वह भी हूं, उनके साथ कुछ नए भी हो, और यूपीएससी ने अब तक जो इन तीनों किताबों से प्रश्न पूछे हैं वो क्वेश्चंस भी इसमें ऐड करूंगी, साथ ही कुछ मेंस के 2-4 क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उस पर भी हम आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे। सारा फ्लो चार्ट मैं आपको 6, 7, 8 का दे दूंगी, आप शब्दों से परिचित हो जाएंगे, 4-5 घंटे की क्लास होगी, और हम मेन जो इसका सार होगा ना, जो एक निचोड़ होगा, वह कल की क्लास में होगा, क्लियर। तो कल की क्लास में सभी बच्चे आएंगे, 6, 7, 8, क्लियर। अब देखो, हमने शुरू किया था कि भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता, हमने जाना था आप सभी के कमेंट्स भी देखना जरूरी होता है, बीच बीच में शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी आ सके। बच्चे, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की हमने बात की थी, कि क्या संविधान है, क्यों हमें आवश्यकता होती है, चूंकि समुदाय में काफी सारे लोग होते हैं, उनके बीच में एक आपसी सहमति हो सके, ताकि समाज में बहुत वाद विवाद जैसी स्थिति ना हो, कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर सभी सहमत हो, इसके लिए मुख्यतः हमें एक दस्तावेज, एक नियमों की आवश्यकता होती है, और यह जो नियम है ये मुख्यतः आधुनिक समय में तो सभी देशों में लिखित रूप में पाया जाता है, इसे ही हम संविधान कहते हैं, इसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और वही फिर हमने धर्मनिरपेक्षता की बात की थी, कि जब आप बात करते हैं कि धर्म के आधार पर, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी को समान संरक्षण है, ठीक है, आपके साथ धर्म, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हमने धर्मनिरपेक्षता को जाना। संसद की बात की, कि क्यों संसद है, क्यों कानूनों का निर्माण किया जाता है, ताकि चीजें एकदम जंगल राज ना हो, चीजें कानून के सारी नीचे ही हो, कानून हमारा सबसे ऊपर हो, सर्वोपरि हो, संविधान कानून, ठीक है। न्यायपालिका की हमने बात की, कि न्यायपालिका और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है, न्यायपालिका के हमने स्तरों को समझा था, कि हायरार्की में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, देन फिर हाई कोर्ट आता है, फिर उसके बाद सेशंस कोर्ट एंड बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है।
तो इनकी हमने बात की थी, न्यायपालिका की बात की थी, आपराधिक न्याय प्रणाली के कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, इस पर हम आगे देखेंगे, ठीक है। सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज, जिसमें हमने जाना था कि कुछ एक ऐसा वर्ग, चाहे आप उसके साथ धर्म, जाति, लिंग, किसी के भी आधार पर आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते, अनफेयर आप उसे ट्रीट करते हैं। हाशियाकरण मतलब क्या है? आप अनफेयर ट्रीट कर रहे हो, कोई उसका कोई बहुत वैज्ञानिक कारण नहीं है कि आप किसी के साथ, लड़कियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, या फिर आप धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी के भी साथ आप अनफेयर उसे ट्रीट कर रहे हैं। सो ये क्या एक हाशियाकरण, एक मार्जिन पर उसको रख देना, ये पूरा बुक है, उसमें आप देखो साइड में जब हम मार्जिन खींचते हैं 1, 2, 3 लिखने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड मार्जिन, है ना। और वैसे ही सरकार के द्वारा क्या उपाय किए गए हैं उस पर भी हमने चर्चा की, और जो चर्चा नहीं की, जो रह गई आपकी एक पॉइंट, वो हम रिविजन क्लास में कर लेंगे, सो तनाव नहीं लेना। और लास्ट आज हम बात करेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका हो, और सरकार की भूमिका जो आर्थिक क्षेत्र में है, हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। एक तो है पब्लिक फैसिलिटी, एक तो है जन सुविधाएं, और दूसरा है कानून और सामाजिक न्याय। और इस बार मेंस में सोशल जस्टिस से क्वेश्चन आया था, मैं जानना चाहूंगी कोई भी क्या ऐसा स्टूडेंट है जो मेंस के क्वेश्चन पेपर देखता रहता हो, और सामाजिक न्याय से कौन सा क्वेश्चन आया था, आप जरूर उसमें कमेंट में लिखिए, ठीक है, जरूर लिखो। जो भी बच्चे जिसे भी पता है कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से कौन सा जो प्रश्न है वह पूछा गया था, बताओ जल्दी से मुझे। महात्मा गांधी और कांग्रेस का एक क्लास करा दो अरुणा पाल, बिल्कुल करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे, डोंट वरी। महात्मा गांधी और कांग्रेस, इन सब पर हम बिल्कुल करेंगे एक क्लास, बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई एक स्पेशल सेशन ले आऊंगी इसके लिए, ठीक है। महात्मा गांधी, उनके आंदोलन, स्वतंत्रता, एक लंबा सा सेशन लेके आऊंगी, सारी चीजें कराऊंगी, डोंट वरी। चलो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जन सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटीज। सो फ्रेंड्स, जब हम पब्लिक फैसिलिटीज की बात करते हैं, जन सुविधाएं की बात करते हैं, इसका अर्थ क्या है, जन सुविधाएं का अर्थ क्या, और उसमें सरकार की क्या भूमिका है। आपके नलों में पानी आता रहे, आपके घरों से कचरा जो है वह साफ होता रहे, प्रॉपर आपको सड़कें मिल जाएं, आसपास आपके पास हॉस्पिटल की व्यवस्था हो। फिर मैं यहाँ पर प्राइवेट में अंतर करूंगी कि अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, और समाज का ऐसा वर्ग गरीब तबका है तो वह प्राइवेट सर्विसेज नहीं ले सकता, हेल्थ केयर नहीं ले सकता, उसे प्रोवाइड नहीं होती, तो सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों का इस्तेमाल इंतजाम कराया जाए। यानी जन सुविधाओं का मतलब है कि सरकार के द्वारा जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल किए जाएंगे, जो भी उपलब्ध कराई जाएंगी, उसका जो लाभ है वह एक बहुत बड़े वर्ग को मिलता है, बजाय इसके कि एक प्राइवेट सेक्टर आपके लिए वह चीज अवेलेबल करा दे। मान लीजिए हम यहाँ 10 गाँव की बात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहां पर चलो 5 गांव की ही बात करते हैं। अब देखो, ना तो इनके पास वाटर है, आपने क्या किया, आपने एक यहां पर या तो तालाब जलाशय या फिर आपने पानी के टैंकर, अगर आबादी आपने कम है, आपने देखा चलो ठीक है पानी के टैंकर से काम चल जाएगा, तो आपने पानी के टैंकरों के माध्यम से यहां पर पानी का जो वितरण है वह करा दिया, तो उसका एक सरकार की एक छोटा सा जो प्रयास है उसका लाभ एक बड़े वर्ग को मिल पाता है। जैसे कि अगर हम शावर से तो नहाएंगे नहीं गांव वाले, उनके लिए एक बाल्टी पानी बहुत है, यानी उनकी जब कम आवश्यकताएं हैं तो सरकार के द्वारा इवन उन्हें न्यूनतम चीजें तो उपलब्ध करा ही हम सकते हैं, है ना। कोई स्विमिंग पूल की इनकी आकांक्षा नहीं है, आपने पानी का टैंकर करा दिया, अगर इस पे भी 5-5 बर्तन सबके भर जाते हैं तो वह अच्छी बात है। तो ये हो गया। अब देखो, अगर 5 गांव में, 3 गांव लेते हैं आप, यहां पर किसी भी तरह की हेल्थ केयर नहीं है, फैसिलिटी नहीं, मान लीजिए इसमें 10,000 लोग हैं, और अब आपने यहां पर एक हॉस्पिटल जो है वह प्रोवाइड करा दिया, आपने क्या किया, एक हॉस्पिटल बच्चे प्रोवाइड करा दिया, तो उसके माध्यम से काफी लोगों का भला हो जाएगा। ना ही यहां पर हॉस्पिटल थे, ना ही यहां के बच्चे पढ़ सकते थे, क्यों, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह से
एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं थी। आपने यहाँ पर प्राथमिक, माध्यमिक या बालिका विद्यालय खुलवा दिए, तो उससे क्या हो गया, काफी लोगों को जो चीजें वह एक्सेस हो गई, यानी एक बहुत बड़े वर्ग तक, एक ज्यादा वर्ग तक हमें क्या करना है, अपनी जो एक न्यूनतम भौतिक आवश्यकताएं कहें या बाकी आवश्यकता कहें, वह आप उनके लिए उपलब्ध करा रहे हो। अब ऐसा कार्य करेगा कौन? प्राइवेट सेक्टर, जिससे जो लाभ के भोगी होते हैं कि हमें बस प्रॉफिट चाहिए, हमें मतलब नहीं है कोई मरे या जिए। सो बेसिकली बच्चे, जब हम बात करते हैं कि इस तरह की, जब पब्लिक फैसिलिटीज की हम बात करते हैं, जन सुविधाओं की बात करते हैं, तो हम सरकार की तरफ देखते हैं। सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, सड़क नहीं बनवा रही सरकार, है ना। तो ये सारी बातें क्या है कि जब हम पब्लिक फैसिलिटीज की बात करते हैं तो फिर हमें सरकार याद आती है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर को हम नहीं देखते हैं दैट टाइम। ठीक है, क्लियर है? सो देखो, जन सुविधाएं समझाने से पहले मैं ये बताऊं कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे फर्स्ट देखो, जीवन के रूप में लिख लो, जीवन के अधिकार के रूप में पानी, अगर पानी अवेलेबल नहीं है, रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, पानी नहीं है तो ना तो खाना बन सकता है, ना ही बाकी के जो आपके कार्य हैं वह हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जब हम पब्लिक फैसिलिटीज की बात करते हैं तो हम प्रायोरिटाइज बेस्ड सबसे पहले हम पानी की बात करते हैं, और वही इस चैप्टर में भी किया गया है कि जीवन के अधिकार के रूप में पानी। फिर नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे किसकी, पब्लिक फैसिलिटीज की, इनका हमें दायरा समझना है, पब्लिक फैसिलिटीज का यानी जन सुविधाओं का, कि ये जो जन सुविधाएं हैं वह क्या है, क्यों है, और इन्हें कौन प्रोवाइड करता है, इन जन सुविधाओं को हमें कौन प्रोवाइड करेगा, कौन प्रदान करेगा। ठीक है, और फिर इन्हीं सब में बच्चे हम देखते हैं कि आखिर रोल ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार की क्या भूमिका है। सरकार की क्या भूमिका है, मुख्य रूप से हमें इन तीन मुद्दों पर बात करनी है इस जन सुविधा वाले चैप्टर में। ठीक है, जीवन के अधिकार के रूप में पानी, जन सुविधाएं क्या है, कौन इसे प्रोवाइड कराएगा, एंड साथ ही साथ हमें देखना है कि सरकार की इसमें क्या भूमिका है। तो ये पब्लिक फैसिलिटीज है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन तीन मुद्दों पर हमें बात करनी है इस चैप्टर में। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, सबसे पहले पानी की बात कर लें, सबसे पहले जीवन के अधिकार के रूप में हम पानी की बात करते हैं। ठीक है, जीवन के अधिकार के रूप में पानी, जीवन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है बताइए, जीवन के अधिकार के रूप में पानी। तो सबसे फर्स्ट इसमें यह समझो कि आपके जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, आपके जीवन के लिए और स्वास्थ्य के लिए पानी बहुत आवश्यक है। अगर आप जीते रहे, सोचिए आपके घर में सब रहे, केवल पानी ना रहे, तो ये केवल पानी नहीं होता, ये लाइफ होती है। ठीक है, जीवन और स्वास्थ्य के लिए दो शब्द हमें देखने हैं, जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी। अब इसमें स्वास्थ्य जैसा मुद्दा क्यों जुड़ गया, अगर हम भारत में बीमारियों की बात करें, ठीक है, अगर हम भारत में बच्चे बीमारियों की बात करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ठीक है, चाहे हम हैजा जैसी बीमारियों की बात कर लें, तो ऐसी जो बीमारियां बच्चे वह पानी की वजह से होती, यानी अगर पीने का पानी एक मोहल्ले में गंदा आता है तो वही के लोग जो है वह सबसे ज्यादा बीमार होंगे, है ना। तो जीवन के साथ साथ अगर पानी जुड़ा है तो पानी का सीधा सा जो फैक्ट है वह किस पर आएगा, आपके हेल्थ पर आएगा। जितना अच्छा पानी पीते हैं उतना हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, पानी के माध्यम से होने वाली बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, कुछ बीमारियों के नाम बताएंगे आप सभी मुझे। ठीक है, आप सभी मुझे कुछ बीमारियों के नाम बताएंगे कि पानी अगर आप खराब पीते हैं तो उससे कौन सी बीमारियां होती हैं।
अब देखो इसके द्वारा पानी की जो अवेलेबिलिटी है, पानी की जो उपलब्धता है, वह एक सार्वभौमिक हो, यानी सभी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस हो पानी के लिए, इसके लिए यूएन के द्वारा देखो क्या कहा गया, यूनाइटेड नेशन ने 2002 में कहा कि जल प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए, व्यक्तिगत और घरेलू यूज के लिए, इस्तेमाल के लिए अवेलेबल हो, लेकिन ये देखो साथ साथ पर्याप्त तो हो, ये नहीं एक मग पानी मिल गया पूरा दिन निकल गया, वो नहीं है, पर्याप्त होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, और अगर मान लो ऐसी जगह जहां पर जल उपलब्ध नहीं है सरकार कराए तो फिर सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए, ठीक है, सुरक्षित हो और कैसा हो बच्चे, सस्ती दर पर उपलब्ध हो, ये यूएन के द्वारा कहा जाता है। जब आपको लिखना होता है ना कि मान लीजिए जीवन के अधिकार के रूप में पानी, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मुद्दों को उठाना पड़ता है कि यूएन के द्वारा भी ये कहा गया, यूएनडीपी में भी एक जो एसडीजी है, जो लक्ष्य है उसमें शामिल किया गया है ना, तो इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है। तो ये हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड देखो, अब जब हम जीने के अधिकार की बात करते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आर्टिकल 21 आ जाता होगा, आर्टिकल 21 है ना, ये क्या है, जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार, और जीवन के अधिकार में सब चीजें शामिल है, ठीक है, आपके सोने का अधिकार, जागने का अधिकार, ये सारी चीजें। आप कोई चीज भूलना चाहते हैं तो आप पर प्रेशराइज नहीं किया जाता कि नहीं नहीं इस घटना को याद करके मुझे बताओ, तो ये सारी चीजें क्या है, जीने का अधिकार में शामिल है, जीवन के अधिकार में शामिल है, जो भी आप सोच सकते हैं, जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वह सभी आप इस आर्टिकल में शामिल कर सकते हैं, दैट इज आर्टिकल 21। अभी तक अगर हम असमानता की बात कर रहे थे या फिर हम पब्लिक फैसिलिटीज की बात करें, किसी की भी बात करें, तो जब हम बात करेंगे जीने की, तो जीने में तो आर्टिकल 21 में चले जाना है कि किसकी ही यहां पर जो बात है वह हो रही है, ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट देखो, इसमें कहा गया कि चूंकि पानी का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है, आप तभी जीवित रहेंगे जब आपके पास पानी की उपलब्धता हो, चूंकि जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार है तो पानी का अधिकार है, पानी की उपलब्धता आपको मिलनी चाहिए, ठीक है, पानी की उपलब्धता हो, इसकी सार्वभौमिक पहुंच हो, सभी लोगों तक इसकी पहुंच हो, यूनिवर्सल एक्सेस हो, ठीक है। अब देखो तीसरे इसमें बात की जाती है कि अब देखो कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। क्या कहा गया कि सुरक्षित पेयजल, अब यहां पर केवल पानी की बात नहीं हो रही, सुरक्षित साफ पानी की बात हो रही है, तो जो सुरक्षित पेयजल है, सुरक्षित पेयजल का अधिकार क्या है बच्चे, फंडामेंटल राइट है, आपके मौलिक अधिकारों में शामिल है, ठीक है। अब देखो इसमें चौथा, अब इसमें चौथा है, आप सभी ने सुने होंगे एसडीजी किसके द्वारा निर्धारित किए गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूएनडीपी के जो गोल है, ठीक है, 17 गोल हैं और इसमें सभी देशों को ये प्राप्त करने की कोशिश करना है 2030 तक, और इन एसडीजी 6 में, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि एसडीजी 6 में क्या शामिल है, एसडीजी 7 में क्या शामिल है, तो ये जो 17 लक्ष्य है ये आपको जरूर याद करने हैं, ठीक है, एसडीजी 7। सो एसडीजी 6, 7 नहीं 6 होगा, एसडीजी 6 में बात की गई है क्या, कि सभी के लिए इंश्योर द अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। सो इसमें दो बातें की गई हैं, एक तो है बच्चे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी स्वच्छ पानी हो, ठीक है, साफ पानी हो और सैनिटेशन हो, स्वच्छता हो, तो ये क्या है, एसडीजी 6। तो जीवन के अधिकार के रूप में पानी हमने हर एक लेवल पर देख लिया,
कि यूएन क्या कहता है, एसडीजी में कहा शामिल है, आर्टिकल 21 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, तो इसे हमने समझा है। एसडीजी 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक हमें 17 ऐसे लक्ष्य जो विभिन्न देशों को आपस में मिलकर प्राप्त करने हैं, इसमें कहा जाता है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो एंड इसमें इंश्योर किया जाए, इसमें क्या करना है आपको इंश्योर करना है कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो वाटर का सैनिटेशन का, क्लियर है सभी को। तो ये है जीवन के अधिकार के रूप में पानी, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट कीजो और इसका ग्रुप में डाल दो जल्दी से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज की। क्लियर है, चलो नोट कर लिया, अच्छी बात है, वेरी गुड कीर्ति, चलिए नोट कर लिया, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, पब्लिक फैसिलिटीज की, जन सुविधाओं की। ठीक है, हमने इसमें जीवन के अधिकार के रूप में पानी की बात कर ली, अब हम पब्लिक फैसिलिटीज पर चलते हैं, जन सुविधाओं की बात करते हैं। ठीक है, देखो सरकार के द्वारा आपने कई बार इस तरह के जो नारे हैं वह सुने होंगे कि अधिकतम लोगों तक पहुंच, है ना, क्या है वह नारे, संसाधनों की जो पहुंच है वह किस तक हो, अधिकतम लोगों तक हो, संसाधन, कभी कभी संसाधन की जो पहुंच हो वह किस तक हो, अधिकतम लोगों तक हो, अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वह इसका क्या कर सके फ्रेंड्स, लाभ उठा सके, है ना, इन पब्लिक फैसिलिटीज का, इन जन सुविधाओं का। सो जब संसाधनों की हम पहुंच की बात करते हैं कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ऐसा है नहीं कि केवल दो परिवारों को आपने एक टैंकर पानी अवेलेबल करा दिया, पानी का ही इसमें उदाहरण दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें आपको याद रखना है कि जन सुविधाओं में क्या क्या शामिल हो सकता है, जैसे हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात कर ले, बिल्कुल हल्के में मत लेना इस टॉपिक को, इस बार यूपीएससी ने यहीं से क्वेश्चन पूछा था। अगर आपके पास बेसिक समझ होती कि सामाजिक न्याय क्या है और क्यों अधिकतम लोगों तक अगर न्याय नहीं पहुंचा तो वह एक तरह से अन्याय है, उसकी बात की गई थी। तो अगर आपको बेसिक पता है, करंट सिनारियो पता है, तो आसानी से लिख ले जाते। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं शायद, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं। हेल्थ केयर, स्वच्छता, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, बिजली की बात करें, तो ये क्या, ये पब्लिक फैसिलिटीज ही तो है। सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक परिवहन, एंड नेक्स्ट है इसमें स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, कॉलेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है कि जब इन संसाधनों की जो पहुंच है वह अधिकतम लोगों तक हो और जन सुविधाओं से आप क्या असर निकालेंगे, जिससे लोगों को सुविधा हो। और वही सुविधाएं क्या क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने हेल्थ केयर्स की बात कर ली कि आप हॉस्पिटल्स अवेलेबल करा दिए, शिक्षा के लिए स्कूल्स अवेलेबल करा दीजिए, ऐसी जगह जहां पर कोई स्कूल एजुकेशन के लिए बच्चों के पास, स्पेशली गर्ल्स के पास, स्पेशली क्या बच्चे, गर्ल्स के पास अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है, स्कूल अवेलेबल नहीं है, उन तक कराया जाए, ऐसी जगह जहां बहुत दुर्गम रास्ता हो, पहुंच ना हो, वहां तक एक्सेस ही ना हो, किसी तरह की सुविधाओं का, परिवहन का साधन ना हो, तो वहां पर आप सार्वजनिक परिवहन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराए। ये सारी चीजें क्या है,
यही सारी चीजें आएंगी किसमें, पब्लिक फैसिलिटीज में, जन सुविधाओं में। क्लियर है, जन सुविधाओं में आएंगी। अब देखो इसकी विशेषता क्या है, जन सुविधाओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर इसकी, यही लिख देती हूं, जन सुविधाओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर इसका निर्माण किया जाए, निर्माण यानी उपलब्ध कराया जाए, अगर इसका निर्माण कराया जाए तो बहुत सारे लोगों तक इसकी पहुंच होती है। तो क्या है, अधिकतम लोगों तक इसकी पहुंच हो पाती है। क्लियर है, तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। जैसे आपने बिजली अवेलेबल करा दी तो जो गांव का किसान है उसे सिंचाई के लिए, उसे इरिगेशन के लिए साधन मिल गया। आपने सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध करा दिया तो किसानों को एंड बाकी सारे लोगों को आने जाने की सुविधाएं मिल गई, हेल्थ केयर एंड बाकी सारी फैसिलिटीज अपने आप मिलेंगी, मोबिलिटी होगी। और विद्यालय की जब हम बात करते हैं तो जब आपने गांव में जब स्कूल नहीं थे, स्कूल अवेलेबल कराई तो काफी सारे ऐसे बच्चे थे जिन तक शिक्षा की पहुंच हो गई। और बिजली पहुंचाई तो इस तरह के जो स्कूल है या फिर सामुदायिक भवन बने उन सभी में बिजली अवेलेबल हो गई। तो ये सारी चीजें क्या है कि अगर आपने पब्लिक फैसिलिटीज उपलब्ध कराई है, इस तरह के संसाधनों तक लोगों की पहुंच कराई है, तो इसका सबसे बड़ा लाभ है कि अधिकतम लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो इसकी पहुंच बच्चे वह होगी। क्लियर, तो ये है जन सुविधाएं यानी ज्यादातर लोगों। अब अगला प्रश्न उठता है कि आखिर ये जो जन सुविधाएं हैं इसे उपलब्ध कौन कराएगा, इसे उपलब्ध कौन कराएगा, सरकार उपलब्ध कराएगी, प्राइवेट सेक्टर्स उपलब्ध कराएंगे, कौन उपलब्ध कराएगा इनकी, जल्दी से ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से इसे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करो ताकि बाकी बच्चे भी आ जाएं। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये उपलब्ध कौन कराएगा, फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्ट रीडिंग करा दूंगी, ठीक है। वैसे बहुत ज्यादा इसमें रीडिंग की जरूरत नहीं है, जो मेन क्रक्स है वो मैंने आपको समझा दिया। ये जन सुविधाएं कौन उपलब्ध कराएगा, इसमें आपको दो नाम समझ में आते होंगे कि या तो प्राइवेट सेक्टर करा दे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपने ये लाभ को प्राथमिकता देगा, या तो गवर्नमेंट अवेलेबल करा दे, सरकार अवेलेबल करा दे, ठीक है। अब ये बताओ कि जब हम प्राइवेट की बात करेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे, गवर्नमेंट की बात करेंगे तो कौन इसमें उपलब्ध करा सकता है, निजी, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं कराएगा क्योंकि हर वक्त वह अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जद्दोजहद करता है, वह सोशल वेलफेयर के लिए नहीं सोचेगा। पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करेंगे तो क्या इसका ऑब्जेक्ट सोशल वेलफेयर होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा कि किस तरह से मैं जो अपना लाभ है, जो अपना प्रॉफिट है, इसे क्या कर लूं, मैक्सिमाइज कर लूं, इस लाभ को बढ़ा लूं, तो ये इसका मेन मुद्दा होगा, ना कि सोशल वेलफेयर। सरकार में भ्रष्टाचार है, आई नो, लेकिन सरकार इस चीज को मानती है कि हमें क्या करना है, समाज का कल्याण करना है, सोशल वेलफेयर यानी ऐसे वंचित लोग जिन तक सुविधाएं अवेलेबल नहीं है हमें उनका एक्सेस उनको देना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, अब ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, क्यों, क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर अवेलेबल कराएगा तो वो सभी को नहीं मिलने वाले, वैसे उन्हीं को मिलेंगे जिनके जेब में पैसा होगा। आप प्राइवेट स्कूल में किसी बच्चे को पढ़ाइए तो लगेगा कि यूपीएससी की तैयारी कराना ज्यादा सरल है, बजाय उसको कि एक महीने का उसको 30,000 फीस लग रहा है, या फिर डोनेशन ही आप 5,00,000 रुपए देके उसका नर्सरी में इवन केजी में एडमिशन करा रहे हो। बहुत सारे ऐसे स्कूल है, आप सुनिएगा, देखिएगा कि उनकी जो फीस है वह कितनी, लाखों में एक नर्सरी वाले बच्चे की फीस, कौन सा उसे यूपीएससी का सिलेबस पढ़ा देंगे, क्या करा देंगे, पढ़ाई को छोड़ के एक्स्ट्रा करिकुलर सारी एक्टिविटीज कराते हैं ये प्राइवेट सेक्टर वाले, ठीक है। तो यहां पर बात है कि प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, केवल उन धनाढ्य लोगों को, समाज का वो वर्ग जो इन चीजों को अफोर्ड कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर ने मान लो उपलब्ध कराई कोई सुविधा तो वह सभी के लिए उपलब्ध नहीं होगी, इसकी जो उपलब्धता है वह किसको होगी, केवल धनी वर्ग को, केवल अमीर वर्गों को उपलब्ध होगी, है ना कि वंचित वर्ग को।
क्यों नहीं होगी? क्योंकि वंचित वर्ग जो है वह अफोर्ड नहीं करेगा इसे। वंचित वर्ग, अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वह अपोलो नहीं जाएगा वह, या फिर कोई इस तरह की जो हॉस्पिटल है जिनका मान लीजिए एक दिन का ही जो मेडिकल एक्सपेंस है वह लाखों रुपए आता हो। मैं खुद पर्सनली इतना अगर अब मैं प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल की बात करूं, पर्सनली इतना देखा हुआ है ना, प्राइवेट सेक्टर्स में इतनी ज्यादा लूट है, स्पेशली मेडिकल में, स्पेशली मेडिकल में, समझे आप उसको, आप समझ नहीं सकते कि प्राइवेट सेक्टर वालों ने कितना लूट रखा है एकदम मेडिकल को। अगर इन चीजों को देखोगे आप कि कितना समाज में क्या चल रहा है, क्या सही है क्या नहीं है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है इन सब में कि वर्तमान में अगर हम निजी रूप से अगर दवाएं कराने जाते हैं, सरकार अगर हेल्थ सेक्टर को या फिर एजुकेशन को अगर सरकार ने, क्यों एक निजीकरण बड़ा मुद्दा बन जाता है? क्योंकि अगर इन जन सुविधाओं प्राइवेट सेक्टर अवेलेबल नहीं कराएंगे, मेरी बात समझने की कोशिश करो, क्यों हमारे लिए प्राइवेटाइजेशन या चीजों का निजीकरण करना, या सरकार जब पीछे हटती है हमें क्यों उस चीज को एक बड़ा मुद्दा लगता है कि सरकार ने सब कुछ बेच दिया? उसके पीछे यही रीजन होता है क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर है वे अपने लाभ के लिए बात करेंगे, वे अपने पैसों को बढ़ाने के लिए बात करेंगे, अपने बैंक बैलेंस, अपने बैलेंस शीट में अपना प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे, ना कि वे सोशल वेलफेयर के काम लिए कार्य करेंगे। तो समाज के लोग इस चीज के लिए चिंतित हो जाते हैं कि अगर एजुकेशन और हेल्थ, मैं कभी नहीं चाहूंगी पर्सनली भी कि क्या इन चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो, इन चीजों का अगर निजीकरण हो गया तो ये चीजें सभी के लिए एक्सेस कभी नहीं हो सकती। सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है कि वह सोशल जस्टिस को लेकर आए, समाज सरकार को इसमें हस्तक्षेप जरूर करना पड़ेगा कि समाज के हर व्यक्ति को अगर स्वास्थ्य मिल सके, हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सके, तो आयुष्मान भारत हमें चाहिए, ठीक है, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं हमें चाहिए, ना कि हमें प्राइवेट सेक्टर चाहिए उसके लिए। वो मुद्दा दूसरा है कि क्या मैनेजमेंट है क्या नहीं, ठीक है, लेकिन फिलहाल जब बच्चे हम एक्सेस की बात करते हैं तो ये हमें एक्सेस नहीं देंगे, हमें एक्सेस के लिए सरकार के पास ही जाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर आपको पीडीएस से अनाज नहीं देता, प्राइवेट सेक्टर आपको क्या नहीं देगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपको 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो मोटा अनाज नहीं देगा, उसके लिए आपको सरकारी है। तो जब हम सरकार की बात करते हैं कि इस तरह की जो जन सुविधाएं हैं वह कौन उपलब्ध कराएगा, तो आपके पास दिमाग में सरकार का नाम आता है, ठीक है। अब देखो, अब सरकार को क्यों कराना चाहिए, तो इसमें आर्टिकल काफी सारे लग जाते हैं कि इसकी मजबूरी है कराना। तो आर्टिकल 21 वही जीवन का अधिकार, जीवन आपका कब सुरक्षित रहेगा? केवल जीवन का अधिकार दे दिया सो काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। जीवन का अधिकार तब तक आपके लिए एक्सेस आप नहीं कर पाएंगे तब तक आपके पास पानी ना हो, तब तक आपके पास स्वास्थ्य ना हो, तब तक आपके पास शिक्षा ना हो, ठीक है, आपके पास ट्रांसपोर्ट ना हो, आपके पास बीमार हो गए, मान लीजिए रास्ते में ही दम तोड़ दिया, हम चिकित्सालय तक पहुंच ही नहीं पाए, हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाए, तो परिवहन ना हो, तो ये सारी चीजें किसमें आ गई? आपका जीवन का अधिकार छिन जाता है अगर ये सारी स्वास्थ्य सुविधाएं एंड बाकी सारी चीजें आपको ना मिले तो। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत सरकार की जिम्मेदारी है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या है बच्चे, सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह आपको ये चीजें उपलब्ध कराए। आप सभी सिविल सर्वेंट बनने का ख्वाब देखते हैं तो आप सभी में इतना जरूर होना चाहिए बाकी कि आप वंचित वर्ग को देखकर ये जरूर सोचे कि कैसे मैं इनको सुविधा उपलब्ध कराता हूं, अगर वह गंदगी में रहते तो कैसे आप उस स्लम एरिया को या फिर ऐसे एरिया को, ऐसी कॉलोनीज को जो प्रॉपर नहीं बन पाई एक नियोजित ढंग से, कैसे आप उनको सही करा सकते हैं, कैसे आप उनके लिए बिजली पानी एक प्रॉपर एक स्वच्छ मार्केट क्लीन वाटर सैनिटेशन कैसे आप प्रोवाइड कराएंगे, उन सभी चीजों पर आपको सोचना है ना, क्लियर है? अब चलो हम आगे देखेंगे इसमें। देखो संविधान में एक और प्रावधान किया गया है, संविधान में कहा गया आयु 6 से 14, किसकी बात कर रही हूं, बच्चों की। सरकार के द्वारा कहा गया कि जिन बच्चों की आयु 6 से लेकर 14 वर्ष तक है इन्हें आप किसी भी, नहीं पहले शिक्षा की बात करती हूं कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं इन्हें शिक्षा का अधिकार है ना, इन्हें जो राज्य है वह शिक्षा प्रदान करेगा, शिक्षा का जो अधिकार है वह राज्य प्रदान करेगा, सरकार प्रदान करेगी, ठीक है। तो यह संविधान की एक बात हो गई। अब देखो नेक्स्ट हम कहे क्या समान रूप से सभी को स्कूली शिक्षा प्राप्त है, आप बताइए स्कूली शिक्षा में समानता है कि नहीं है,
समान है या फिर असमान है। अगर आप सभी ने एनजीओ प्रथम की जो रिपोर्ट है वह सुनी हो, असर रिपोर्ट, जो कि कहती है कि अगर हम स्कूली शिक्षा की बात कर लें तो केवल 20% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास किताबें अवेलेबल है। अरे आप सभी के पास तो स्मार्टफोन है। केवल 20% बच्चे ऐसे जो जिनके पास पाठ्य पुस्तक किताबें अवेलेबल है, अदरवाइज बच्चों के पास किताबें जो है वह अवेलेबल नहीं है पढ़ने के लिए। और वही अगर हम डिजिटल एजुकेशन की बात करें तो इंडिया कहां से डिजिटल होगा, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन होगा आप बताइए। तो इसमें जो कुछ नए अध्ययन आते हैं वह कहते हैं कि डिजिटल रूप से भी अगर हम कहें तो केवल शायद 20-30%, इसी के आसपास रेशियो है जिसके पास अवेलेबल है स्मार्टफोन। बिजली, बिजली भी तो चाहिए। मान लीजिए ऐसी जगह पर आप फोन देके क्या करोगे जहां पर लाइट ना हो, जहां पर इंटरनेट की पहुंच ना हो, वहां पर आप कैसे आप डिजिटल सर्विसेज की बात करते हैं, कैसे आप वहां की पंचायत या फिर जो भी चीजें उनके डिजिटलीकरण की या फाइबर नेटवर्क की बात करते हैं या भारत नेट परियोजना की आप बात करते हैं। तो ये सारी चीजें कब अवेलेबल हो सकती है, जब सरकार इसके लिए प्रयास करे। तो कहीं पर भी जो स्कूली शिक्षा है वह समान रूप से अवेलेबल नहीं है, असमानता हर जगह है वर्तमान में। क्लियर। अब देखो, अब हम एक बात स्वास्थ्य की बात करते हैं, एक बार और हेल्थ पर आते हैं, ठीक है। अब मान लो सरकार के द्वारा पोलियो उन्मूलन कराया गया, ठीक है, जैसे अब हम हेल्थ केयर की बात करें, सरकार के द्वारा ही अभी रिसेंटली बजट में 35,000 करोड़ रुपए का, आप सभी ने बजट पढ़ा होगा ना, 35,000 करोड़ रुपए का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए फंड है वह एलोकेट किया गया, आवंटन उसका किया गया, प्राइवेट सेक्टर ने नहीं किया ये। तो ये क्या कि इस तरह की जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वह प्रोवाइड करना सरकार का उत्तरदायित्व है। और जैसे आप सभी ने पोलियो सुना होगा बच्चे कि पोलियो का जो उन्मूलन है वह किया गया, ठीक है, सभी ने मिलकर प्रयास किया और पोलियो को जड़ से खत्म किया गया। अब मान लो अभी तो अब आप कोविड ही लिखो कि कोविड-19 के लिए देखो सरकार के द्वारा किस तरह से प्रयास किया जा रहा है, ऐड किया गया। तो ये सारी चीजें क्या है कि जन सुविधाएं, चाहे किसी भी तरह की जन सुविधाएं हो, उन सभी के लिए आप सरकार की तरफ ही देखेंगे। क्लियर है कि नहीं है, बताइए जल्दी से। हाँ, भीम लिखते हैं कि आर्टिकल 21A में 6 से लेके 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें निशुल्क शिक्षा का अधिकार है। बिल्कुल, देखो एक बच्चा लिख रहा है कि उसके पास एप्पल का भी फोन है, वीवो का भी फोन है। अब यही असमानता बता दी है ना, यही असमानता हुई। हो सकता है किसी के बच्चे के पास ना हो, तो यही पर देखो असमानता है ना, एक के पास दो फोन है, एक के पास एक भी नहीं है। तो जिसके पास ना हो ना उसे दे देना एप्पल वाला फोन। चलिए अच्छी बात है। सो आप सभी काफ़ी चीज़ें लिख रहे हैं। कार्तिक लिखते हैं कि जैसे 2002 में सर्व शिक्षा अभियान, हाँ ये सारी चीज़ें वही है बच्चे, वही है सारी चीज़ें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये था आपका जन सुविधाओं वाला चैप्टर। इसमें हमें बिल्कुल भी रीडिंग नहीं करनी है। अच्छी बात ये है, जो आपको समझना था आप समझ चुके हैं, ठीक है। जो भी बच्चे आपको समझना था आप समझ चुके हैं कि जो जन सुविधाएं है, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ जल्दी से और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आगे जन सुविधाएं कौन उपलब्ध कराएगा इसकी हमने बात कर ली है ना, जन सुविधाएं। एक सेकंड रुक जाइए बच्चे। हाँ तो देखो, स्टार्टिंग से हमने देखा कि जब हम जीवन हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज की, और हमें इसमें देखना है सरकार की क्या भूमिका है जीवन के अधिकार के रूप में, जब हमने पानी की बात की एंड बाकी फैसिलिटीज की बात की है ना। फिर हमने देखा कि अगर हम जब पानी की बात करते हैं तो आपको यूएन की भी बात करनी है कि यूएन के द्वारा 2002 में किस तरह से एक बुनियादी आपके अधिकार के रूप में वाटर सैनिटेशन की बात की गई, और घरेलू इस्तेमाल के लिए आपको सुरक्षित, सस्ती और एक उचित दर पर जो पानी की व्यवस्था है वह एक सार्वभौमिक पहुंच, उसका एक यूनिवर्सल एक्सेस हो। नेक्स्ट हमने देखा आर्टिकल 21 जो कि आप संबंधित है जीवन के अधिकार से, और इस जीवन के अधिकार में काफी सारे मुद्दे आकर फंस जाते हैं,
जीवन का, अगर आपके पास पानी नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि सरकार ने ये प्रोवाइड नहीं कराया, मतलब हमारा जीवन खतरे में है, यानी हमारे आर्टिकल 21 का हनन हुआ, एंड देन आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं इस चीज के लिए। नेक्स्ट हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार जो है वह आपके फंडामेंटल राइट है, और वही क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात हमारे SDG 6 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में की गई, जिसमें कहा गया कि इंश्योर द अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट हमें देखना है कि जब हम पब्लिक फैसिलिटीज की बात करते हैं, तो पब्लिक फैसिलिटीज की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि अगर आपको ये प्रोवाइड किया जाता है तो इसका लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचता है। अगर आपने बिजली प्रोवाइड कर दी तो किसान को सिंचाई के लिए बिजली मिल जाएगी, अगर आपने परिवहन दिया है तो ये एक्सेस सबको मिलेगा, और अगर आपने स्कूल शिक्षा दी है तो इसका भी जो इम्पैक्ट है एक बड़े वर्ग पर पड़ेगा, और वही है हेल्थ केयर सर्विसेज। क्लियर, वही क्या है बच्चे, हेल्थ केयर सर्विसेज है। एंड नेक्स्ट हमने बात की कि अगर हम कहते हैं कि इसका एक्सेस हमें कौन देगा, तो प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नहीं देंगे। उसके पीछे कारण है क्योंकि ये अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज पर वर्क करेगा, ना कि सोशल वेलफेयर पर। अगर आपको सोशल वेलफेयर पर आना है, देन आपको सरकार का मुंह ही देखना पड़ेगा। ठीक है, सरकार का मतलब क्या है ये बताओ, व्हाट इज द मीन गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या है। मैंने शुरुआत में आपको सारे अर्थ बताए थे। अब नेक्स्ट देखो, इसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, किसके अंतर्गत आपको पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन सबका अधिकार है। सरकार के द्वारा संविधान में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे उन्हें निशुल्क शिक्षा जो है वह राज्य प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, और हेल्थ केयर की जब हमने बात की कि जैसे पोलियो उन्मूलन जैसे कार्यक्रम जो है वह चलाए गए, इसमें भी सरकार क्या करती है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी तक 3 चीजें आपकी हो गई और इस 3 PPT में आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो भी बच्चे PDF के रूप में ये सारी चीजें चाहते हैं एकदम रिटर्न फॉर्मेट भी, तो वो NCERT विथ मंजू मैम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो UPSC हिंदी टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लो, NCERT विथ मंजू मैम। उसमें मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, एंड सारे वीडियोस की PDF भी मैं प्रोवाइड कराती हूँ। साथ ही आप मुझे वहां पर होमवर्क भी चेक करा सकते हैं, और उस कोशिश किया करो उस ग्रुप में बात ना करो। ठीक है, पर्सनली हाई हेलो करना है, पर्सनली जाके मैसेज करो ना, जरूरी है कि बाकी बच्चों को भी बताना है कि मैंने किसी को हाई किया है, हेलो किया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमें बात करनी है किसकी, सोशल जस्टिस की, यानी चैप्टर नंबर 10। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10, कानून और सामाजिक न्याय। कौन सा स्टूडेंट है जो मुझे यह बताएगा कि इस पर जो क्वेश्चन है भाई, UPSC ने कौन सा प्रश्न पूछा था सोशल जस्टिस पर, जल्दी से बताइए। अच्छा देखो, जब मैं सोशल जस्टिस की बात करूं या फिर आपके दिमाग में सामाजिक न्याय आता है तो इसका अर्थ क्या है। सामाजिक न्याय की जब बच्चे हम बात करते हैं, सामाजिक न्याय, सामाजिक यानी समाज से जुड़ा हुआ, न्याय यानी एक ऐसा भेद जो कि निष्पक्ष हो, सभी के लिए उचित रूप से हो, है ना। तो सामाजिक न्याय, अब देखो, तो मैं आपको सामाजिक न्याय की परिभाषा के पहले मैं आपको 4 ऐसे तत्व बताऊंगी जिसे आप सामाजिक न्याय कह सकते हैं, जैसे इक्विटी, 4 प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, इक्विटी आप गवर्नेंस में पढ़ते हैं इसे, पार्टिसिपेशन, एक्सेस उपलब्धता और अधिकार, राइट। सो दीज आर द 4 प्रिंसिपल। ये क्या है बच्चे, ये 4 प्रिंसिपल हैं किसके, सोशल जस्टिस के। तो जब ये चारों चीजें मौजूद होती हैं आपके राइट्स हो, इक्विटी से सभी लोगों की भागीदारी के माध्यम से क्या हो, वह सभी के लिए एक पब्लिक उस चीज को एक्सेस कर पाए, इसे हम सोशल जस्टिस कहेंगे। सामाजिक न्याय के 4P है, ये 4 प्रिंसिपल हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द सोशल जस्टिस। तो सबसे पहले देखो, सोशल जस्टिस इज अ फेयरनेस एज इट मैनिफेस्ट इन सोसाइटी, एंड दैट इंक्लूड फेयरनेस इन हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड मोर। जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं बच्चे, तो ये क्या क्या इंक्लूड करेगा, दैट इंक्लूड्स
फेयरनेस इन हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट हाउसिंग एंड मोर एंड मोर या जो भी एटेक्स्ट्रा। देखो उचित और निष्पक्ष रूप से जब हम ये कहें कि समाज के सभी लोगों तक जो पहुंच है चीजों की, ठीक है, जैसे हेल्थ केयर है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, अभी तक हम जन सुविधाओं की बात कर रहे थे। देखो मैं एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से चीजों को रिलेट करके बताया कि पहले आपको जन सुविधाएं समझा दी कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, और उसके बाद आपको सामाजिक न्याय समझा दिया कि सामाजिक न्याय यानी जो जन सुविधाएं थी वह हर एक व्यक्ति को अवेलेबल हो, ठीक है, किसी के साथ भी पक्षपात ना हो, क्योंकि जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होगा वहां पर सोशल जस्टिस नहीं होगा। ये दोनों चीजें कंपेटेबल नहीं है, कंपेटेबल दैट मीन संगत, ठीक है, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जहां पर भी अगर हम सोशल जस्टिस की बच्चे बात करते हैं तो जहां डिस्क्रिमिनेशन होगा जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होगा भेदभाव होगा, क्या वहां पर सोशल जस्टिस होगा? बताइए, सोशल जस्टिस होगा, न्याय होगा वहां पर जहां पर भेदभाव होगा? यानी एक वर्ग के लिए आपने काफी सारी चीजें दे दी, दूसरे वर्ग के पास कुछ भी नहीं है। सो दैट इज क्या है, ये दोनों चीजें कैसी है बच्चे, एक साथ नहीं पाई जा सकती समाज में, ये टोटली कैसी है, आर नॉट कंपेटेबल। ये संगत नहीं है, एक साथ नहीं हो सकते। जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होगा वहां पर सोशल जस्टिस नहीं होगा, जहां पर सोशल जस्टिस होगा वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सो ये आपको समझना है कि सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, एक फेयरनेस, एक निष्पक्षता, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग एंड एटेक्सरा सारी चीजें। तो वही तो बात है कि 4P की जब हम बात करते हैं कि राइट भी हो, इक्विटी भी हो, पार्टिसिपेशन भी हो एंड एक्सेस भी हो, दैट इज द 4P ऑफ सोशल जस्टिस, 4 प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये क्या है कि जब आप प्रमोट करो किस चीज को, जब आप प्रमोट करते हैं इक्वल इकोनॉमी, जब आप प्रमोट करते हैं एजुकेशन सभी के लिए, शिक्षा, जब आप प्रमोट करते हैं सभी के लिए कार्यस्थल, वर्क प्लेस, और जब आप वर्क प्लेस एंड अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं कि सभी को क्या हो, सभी को अवसर अवेलेबल हो, तो ये सारी चीजें जो है ये दीज आर द पार्ट ऑफ द सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। क्लियर? एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका और जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो। क्लियर है सभी को? चलो, तो जब हम बात करेंगे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की, तो देखो इस चैप्टर में बच्चे आपको समझाया जाता है, बताया जाता है कि जो सामाजिक न्याय है वह क्या है, सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने में सरकार की क्या भूमिका हो, ठीक है, कौन से आर्टिकल इससे आएंगे, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, चूंकि यूपीएससी मेंस 2020 में सामाजिक न्याय से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, सेम क्वेश्चन तो नहीं देती, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, लिखने की कोशिश करेंगे, कुछ बच्चे डेफिनेटली बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं। चलो, सामाजिक न्याय और भेदभाव, सामाजिक न्याय और भेदभाव क्या असंगत है? समाज में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को प्राप्त करने के लिए
विभिन्न हितधारकों या फिर विभिन्न पक्षों की भूमिका को बताइए। विभिन्न पक्षों की, ऑब्वियसली बात है, पक्षों की बात कर रही हूँ तो इसमें आप सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट सब लिख सकते हैं। विभिन्न पक्षों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब देखो 250 शब्दों में लिखिए। तो सामाजिक न्याय क्या है, सभी समझ गए। आपको इसमें बताना है कि जहां पर सोशल जस्टिस होगा वहां पे भेदभाव नहीं होगा, और जहां पे अगर भेदभाव आपने कर दिया तो सोशल जस्टिस नहीं रहा, क्योंकि एक अनफेयर तरीके से सबको ट्रीट करना, इसे हम सोशल जस्टिस कहेंगे। क्लियर। और फिर आपको बताना है कि सोशल जस्टिस को प्राप्त करने में कौन कौन से, देखो सबसे फर्स्ट जब आप एक आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं बच्चे, तो आपको फ्रेमवर्क बनाना होता है। कैसे, मैं जस्ट उस पर आपको 2 मिनट बताती हूं कि जैसे आपने आंसर फॉर्मेटिंग की, ठीक है, आंसर का आपने एक फ्रेमवर्क बनाया, जैसे आपने इसमें लिखा कि हाँ मुझे इसमें डेफिनेशन लिखना है, मुझे इसमें अर्थ लिखना है सामाजिक न्याय का, आपको 2 शब्दों से कनेक्ट करना है जो 2 कीवर्ड इसमें दिए हैं, एक तो भेदभाव, सोशल जस्टिस, ठीक है। अर्थ की जब हम बात करेंगे तो आप 4P लिखिए, 4 प्रिंसिपल भी लिखिए, और फिर आप जब विभिन्न पक्षों की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर सकते हैं, UN की बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको ये लिखना है कि क्या वर्तमान में कोई, अगर आपको प्रॉब्लम इस तरह की दिख रही है, कोई असमानता आपकी दिख रही है, तो आपको उस बारे में बात करनी है। अब देखो ये प्रोसेस, आपने आंसर फ्रेमवर्क कर लिया तुरंत दिमाग में, अब कैसे आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ें दिमाग में उतनी जल्दी क्लिक होगी। वही बात है कि आपने जितनी अच्छे से चीज़ों को याद किया वह उतनी जल्दी आपके दिमाग में क्लिक हो जाती हैं, उतना अच्छा आप परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में कर पाते हैं। तो वही बात है कि जितनी कोशिश यहाँ करते रहोगे ना, उतनी कोशिशें आपके एग्जाम हॉल में बच जाएंगी। कई बच्चे तो हो सकता है पहली बार शायद आंसर फॉर्मेटिंग वही जाके सीखते होंगे, कह रही अब क्या करें, अब तो आंसर लिखना ही है। तो बच्चे पहले से चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो, जितना प्रिपेयर खुद को कर लोगे ना उतना ज़्यादा आप चीज़ों को सीख पाएंगे। क्लियर। चलो एक स्क्रीनशॉट लो, लिखने की कोशिश करना इसमें, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है बच्चे, कानून और सामाजिक न्याय में कानून और सामाजिक न्याय, इसमें सबसे फर्स्ट देखो, अगर हम एक स्थिति की बात करें कि एक फैक्ट्री है लेकिन मजदूरों को ठीक तरीके से उसमें मेहनताना नहीं दिया जाता है, उनका जो हक है वह नहीं दिया जाता, ना ही उन्हें प्रॉपर बोनस, ना ही उन्हें कार्यस्थल, ना ही कुछ दशाएं दी जाती हैं। तो देखो ऐसी दशा में जब हम बात करते हैं, कुछ स्थितियों की बात करें, ठीक है, कि शोषण से सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों है। शोषण से मजदूर उपभोक्ता को बचाना, ठीक है, शोषण से मजदूर को उपभोक्ता को बचाना। फिर हम कहेंगे एक उचित न्याय करना समाज में, क्या करना बच्चे, उचित न्याय करना। मार्केट की जब हम बात करते हैं तो बाजार या समाज में अनुचित जो तौर तरीके हैं, जो अनफेयर प्रैक्टिस है, जो अनुचित क्या है तौर तरीके हैं, इन्हें खत्म करना, तौर तरीकों पर अंकुश लगाना, अंकुश लगाना, ठीक है। अगर प्रश्न आता है, और नहीं भी आता है तो ये तो लिखो ही कि आखिर हमें आवश्यकता क्यों है सामाजिक न्याय की, आवश्यकता क्यों है, ठीक है, क्लियर। आवश्यकता क्यों है सामाजिक न्याय की, तो इसलिए आवश्यकता है। अब नेक्स्ट देखो, जैसे हमने एक स्थिति बता दी, मैं आपको एक स्थिति बताती हूँ, एक कंडीशन बताती हूँ, या एग्जाम्पल की तरह इसको समझ लो कि जो कंपनियां हैं
ठीक है, जो कंपनी है ठीक है या जो ठेकेदार है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके, इन्हें क्या हो, मुनाफा जो है इनका बढ़ता रहे, इसके लिए ये क्या करते हैं, ये कम मजदूरी देते हैं, ये कम मजदूरी देंगे, कम वेतन देंगे, ठीक है। यानी एक अनफेयर प्रैक्टिस हो गई, अनफेयर प्रैक्टिस ही तो हुई, नहीं हुई बताइए, हो गई है ना, हो गई। तो अब इसके लिए देखो, अब सरकार को क्या करना होगा, सरकार ने क्या किया, एक कानून बनाया, सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कानून बनाया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, और अब जो ये मुनाफाखोर थे, अधिनियम ठीक है, अब जो इन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा कमाना था ना, इन लोगों पर क्या एक अंकुश लगाया जाएगा कि इवन इतनी जो मजदूरी है वह तो आपको देनी ही होगी, इतनी जो कार्य की अच्छी दशाएं हैं वह तो आपको प्रोवाइड करनी ही करनी होगी। तो सरकार ने इस चीज को लागू किया, यानी न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी आप नहीं दे सकते, और इसके लिए क्या किया गया सरकार के द्वारा, देखो उत्पादक मजदूर उपभोक्ता उत्पादक मजदूर और उपभोक्ता के बीच पे जो संचालन किया जा रहा है वह शोषण युक्त ना हो, जो संचालन है चीजों का वह कैसा हो, उसमें आपका शोषण ना हो, ऐसी कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। जो ये आपको तीन वर्ग दिख रहे हैं, उत्पादक मजदूर उपभोक्ता, इन तीनों के बीच में जो भी गतिविधियां हैं, जो भी संचालन है, उसमें किसी भी तरह का क्या ना हो बच्चे, शोषण ना हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सामाजिक न्याय हो गया, ठीक है। सामाजिक न्याय कैसे हो गया, अब हम बात करेंगे कि आखिर ये जो सामाजिक न्याय है वह दिया कैसे जाता है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में पोस्ट करो, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि मैडम नोट्स बनवाने लगी हैं, आपको जल्दी से क्लास को ज्वाइन करना चाहिए। स्थिति में देखो, मुनाफा खाएंगे तो लोगों को कम वेतन देंगे, अनफेयर प्रैक्टिस होगी, सरकार कानून लेकर आएगी, और ऐसा कानून जो इन तीनों वर्गों के बीच के संचालन को शोषण से मुक्त कर दे, तो ये कानून है और ये सामाजिक न्याय है। क्लियर है सभी को, जल्दी से फ्लो चार्ट जो है बच्चे, इसका एक स्क्रीनशॉट बना लो। तो धर्मेंद्र विक्रम सिंह आप सही लिख रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, यानी मजदूरों का हित हो, उनका शोषण ना हो, है ना, ठीक है, वेरी गुड। मनोज मेरा ये जो क्लास है फ्रेंड, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है क्लास, अच्छी बात है। रोज 11 बजे से एनसीईआरटी होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो पॉलिटी का जो इंट्रो वीडियो है वह जरूर देखना है। जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं उन सभी स्टूडेंट से मेरा कहना है कि जो भी वीडियोस अवेलेबल है ना, एक बार उनको प्लेलिस्ट में देखो कि कौन सा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, कौन से टॉपिक पर कराए गए हैं, क्या सोर्स यूज किया गया है किसी पर्टिकुलर एजुकेटर ने, यूपीएससी के मानकों पे क्या आपके जो प्रश्न है वह हल हो रहे या नहीं हो रहे, चीजों को थोड़ा सा परखो। बाकी सारे वीडियोज अवेलेबल है, उन्हें जरूर देखो, ठीक है। चलो अब आगे हम देखेंगे कानून और सामाजिक न्याय के बाद कि सरकार के द्वारा कैसे सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कराया जा सकता है, सरकार के द्वारा कैसे सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कराया जा सकता है, क्लियर है। चलो एक बार मैं नहीं, ये बताने की आवश्यकता है ही नहीं, चलो ठीक है। आज गोपाल गैस त्रासदी की भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं समाज में न्याय नहीं था, सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय कैसे प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है,
तो देखो सबसे फर्स्ट है कि अगर आपको लगता है कि मजदूरों को कम वेतन मिल रहा है, ठीक है, एक स्थिति पर मैं बात करती हूं आपसे कि अगर आपको लगता है कि मजदूरों को कम वेतन मिलता है और मजदूरों को उचित वेतन मिलना चाहिए, मजदूरों को क्या हो, उचित वेतन मिले, उचित कार्य दशाएं हो, ऐसा नहीं कि उन्हें पीने का पानी भी अवेलेबल ना कराया जाए और उनसे 10 घंटे काम कराया जाए, उन्हें बीच में खाने का भी ब्रेक ना दिया जाए और उनसे काम कराया जाए एकदम, है ना। तो ये क्या है बच्चे, अनफेयर प्रैक्टिस हो गई। तो उन्हें उचित वेतन मिले, उचित कार्य दशाएं मिले, तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है बताओ, इसके लिए जो गवर्नमेंट है वह क्या करेगी, कार्यस्थल का निरीक्षण करेगी। जब आप कभी सेलेक्ट होगे बच्चे, किसी अच्छी पोस्ट पर जाएंगे और किसी कार्यस्थल का निरीक्षण करेंगे, आप सभी को ये मौका मिलेगा, आप जरूर देखेंगे कि क्या चल रहा है समाज में क्या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, कार्यस्थल का निरीक्षण जो है वह करेंगे, ठीक है, और जो भी अनफेयर प्रैक्टिस है उसको दूर करने का कार्य करेंगे। अब देखो अन्य तरीका है कि आप कानून के द्वारा नियंत्रण लगाएं और कानून को क्या करें, ठीक तरीके से लागू करें। मान लीजिए कहा जाता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के जैसे खतरनाक जो उद्योग हम कह सकते हैं, जैसे हम पटाखा फैक्ट्री की ही बात कर लें, तो आप पटाखा फैक्ट्री में उनसे काम नहीं करा सकते। अगर आपने खनन की बात कर ली, खनन में बहुत पॉल्यूशन होता है ना, बच्चे कोमल होते हैं, तो अगर बच्चों से उस तरह का काम किया जाएगा तो हमारे देश का भविष्य कहाँ जाएगा। तो सरकार के द्वारा इस तरह के जो कानून है उन्हें इम्प्लीमेंट कराने के लिए फोर्सफुली लोगों को कहा जाता है, ठीक है, खुद भी ऐसे कार्य किए जाते हैं। चलो खैर आगे देखते हैं, मेरा पेन खुल गया, मैं इसे थोड़ा सा टाइट कर लूं। चलो खैर, सो हमने बात की कि कानून लागू करें, ठीक है, कानून लागू किया जाए और साथ ही साथ आप इसमें जो निजी कंपनियां हैं उन पर नियंत्रण रखें। निजी कंपनी पर आपको क्या रखना है, नियंत्रण रखना है, ठीक है, नियंत्रण रखना है। अब देखो संविधान में इसकी बात कहां की गई, संविधान में कानूनों को लागू करें यही बात कहा गया ना, तो संविधान का एक अनुच्छेद है, संविधान का बच्चे एक अनुच्छेद है, ठीक है, और उसमें यह कहा गया कि शोषण से मुक्ति का अधिकार है। संविधान में वर्णन है, अनुच्छेद छोड़ दो, संविधान में वर्णन है क्या, शोषण से मुक्ति का अधिकार। आप किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, शोषण से मुक्ति, शोषण का अधिकार मत लिख देना कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण का अधिकार, शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण से मुक्ति का अधिकार है, शोषण से सही पढ़ा करो चीजों को, वरना कहो शोषण का अधिकार मूल अधिकार है, हम किसी का भी शोषण है वह कर सकते हैं, आप किसी का एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें यह कहा जाता है कि आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं कराओगे, है ना, आप क्या करोगे, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, बंधुआ श्रम नहीं, एंड साथ ही साथ 14 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं, कम आयु के बच्चों को क्या नहीं करना है, आपको खतरनाक कार्यों में नहीं लगाना है, खतरनाक कार्यों में नहीं नियोजित कर सकते, करोगे अगर तो फिर आपको इसके लिए दंड मिल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, 2016 की बात है, कब, 2016 में संसद के द्वारा एक संशोधन लाया गया, बाल श्रम अधिनियम 1986 में, बाल
श्रम अधिनियम 1986, ठीक है, बाल श्रम अधिनियम 1986 में संशोधन लाया गया, जिसमें यह कहा कि अगर आपने, आप देखो इसमें उम्र बढ़ा दी, यहां पर 14 उम्र तक ही था, आप कहा कि 14 से 18 वर्ष के बच्चों को अगर आपने किसी जोखिमपूर्ण कार्य पर लगाया, एक उदाहरण मैंने दिया ना आपको, जैसे पटाखा फैक्ट्री है या फिर कोई माइनिंग का कार्य है, अगर आपने जोखिम कार्यों में नियोजित किया तो वह कौन सा अपराध होगा? संज्ञेय अपराध होगा। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ संज्ञेय अपराध? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके, वह संज्ञेय अपराध होगा, ठीक है। और ये इसकी आप सूचना, अगर मान लीजिए इस तरह का अपराध हो रहा है तो इसकी सूचना आप दे सके, इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया जो कि था पेंसिल पोर्टल शिकायत करने के लिए, ठीक है। पेंसिल क्या था? एक पोर्टल बनाया गया, पेंसिल का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। प्लेटफॉर्म, पेंसिल का फुल फॉर्म लिख लो, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट विल नो चाइल्ड लेबर। हाँ धर्मेंद्र, आप सही लिखते हैं, गैर जमानती, वेरी गुड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर सरकार यह सुनिश्चित, सामाजिक न्याय को सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी, तो जो लॉ है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन सभी को फॉलो करवाओ ना। अगर उचित वेतन नहीं मिल रहा है तो आप कार्यस्थल का निरीक्षण करवाइए, अधिकारियों के माध्यम से रिपोर्ट बनवाइए, अगर नहीं हो रहा है तो उन्हें बोलिए, अगर नहीं मानते तो सजा दीजिए, कानून को लागू कराए, निजी कंपनियों पर नियंत्रण रखा जाए, चूंकि संविधान में कहा कि शोषण से मुक्ति का अधिकार है, आप बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है, उचित कार्य दशाओं की बात की गई, बच्चों की बात की गई, कौन सा आर्टिकल है बच्चों का बताओ जल्दी, 16 में संसद के द्वारा बाल श्रम अधिनियम में संशोधन लाया गया और 1986 का कि 14 से 18 जो बच्चे हैं उन्हें किसी तरह के जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाओगे ना तो क्या होगा? संज्ञेय अपराध होगा, गैर जमानती अपराध होगा। अच्छा, संज्ञेय अपराध गैर जमानती दोनों को थोड़ा सा एक बार देखो, एक बार फुल से रिपीट कर दूं, रिपीट मैम फुल फॉर्म। अच्छा पूनम, फुल फॉर्म है बच्चे इस पेंसिल पोर्टल का, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट। आइए मैं लिख ही देती हूं, पेंसिल का फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ठीक है, क्लियर। चलो अब लास्ट हमें देखना है कि सुरक्षा कानूनों का जो क्रियान्वयन है वह कैसे किया गया और पर्यावरण रक्षा क्या है। दो मुद्दों को और पढ़ना है, लेकिन इसके पहले हम एक ऐसी त्रासदी को, एक ऐसी घटना को पढ़ने जा रहे हैं जो कि घटना कहा जाता है कि कई सौ सालों तक याद रखी जाती है, और ऐसी ही घटना होती है एमपी में भोपाल में, जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। वह कारखानों से जुड़ा ही मुद्दा था कि उसमें जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, बच्चे उसमें सुरक्षा मानकों का इतना उल्लंघन किया। देखिए एनसीईआरटी ने भी उसको काले पेज पर लिखा, और रेड से इस त्रासदी को बताया, क्योंकि ये पूरे विश्व में चर्चित, जैसे आप चेर्नोबिल संयंत्र को जानते हैं, आप कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो कि समटाइम्स बहुत, जैसे हम कोविड की बात करें, कोविड को बजट में काला हंस कहा गया, यानी रियर ऑफ रियरेस्ट, काला हंस की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि ऐसी जो घटनाएं हैं वह कई सालों में नहीं, शताब्दियों में, कई सौ वर्षों में एक आधी ऐसी घटना होती है। और जब आप भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं, जब आप आपात प्रबंधन पढ़ते हैं, जब आप
इसको डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ते हैं पेपर थ्री में, तब आप इस घटना को पढ़ते हैं। हुआ क्या था कि एक गैस का रिसाव होता है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, और जब ये फैक्ट्री लगाई गई थी ना, उसके वक्त ही नगर पालिका और बहुत सारे जो अधिकारी थे उनके द्वारा कहा गया कि ये सुरक्षा मानक इसके सही नहीं है। और ऐसा भी नहीं था कि जो गैस कांड हुआ था जिस दिन, उसके पहले इस तरह की घटनाएं नहीं आई थी, उसके पहले भी कई बार इस तरह के गैस रिसाव की घटना नहीं आई थी, लेकिन उतने व्यापक पैमाने पर नहीं आई थी। गैस रिसाव की घटना थी लेकिन उतने व्यापक पैमाने पर नहीं थी। तो इसमें बताया गया कि भोपाल गैस त्रासदी यानी 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी होती है, और उस फैक्ट्री का नाम है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। खूब मुकदमा चला, काफ़ी सारे लोगों ने क्षतिपूर्ति के लिए इस पर किया, और जब नगर पालिका के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि सेफ गार्ड नहीं है, प्रॉपर आपने सेफ्टी मेजर्स एंड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया, तब सरकार ने कहा कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें लोगों के लिए रोजगार चाहिए, हमें सेफ्टी मानक नहीं चाहिए। और देखो कहीं ना कहीं सरकार की एक बहुत बड़ी अनदेखी हम इसे कहें, और उसी अनदेखी के चलते 2-3 दिसंबर की अगर हम बात करें, 2 दिसंबर 1984 खूब पूछा जाता है, 2 दिसंबर 1984 को रात में 2 बजे एक जहरीली गैस का जो रिसाव है वह होता है, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइड, जिसे क्या कहा गया, मिक यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कि कब दुर्घटना हुई, और जो दुर्घटना हुई किस गैस के रिश्ते से हुई, किस कंपनी में हुई, तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, और इसमें से जो कीटनाशक बनाने वाली जो कंपनी है, जो पेस्टिसाइड बनाने वाली जो कंपनी है, उसमें जो गैस का ये रिसाव है बच्चे वह होता है, ठीक है, और इसी रिसाव के चलते ये जो भयानक त्रासदी है वह होती है। जब अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि आपने सेफ्टी मेजर एंड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किए, तो फिर सरकार के द्वारा उसमें ढील बरती गई थी कहीं ना कहीं। और जब ये 2 दिसंबर को ये कांड हुआ ना, उसके पहले काफ़ी बार इस तरह का जो गैस रिसाव की घटना है वह हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो प्रशासन है वह हरकत में नहीं आती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आज भी अगर आपके यहाँ की बिल्डिंग्स देखेंगे, मेरा मेंस का पेपर था एमपी का, देन मैं इस इलाके से निकली थी, तो जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है अब वह प्रॉपर सील है, किसी तरह का वहाँ काम नहीं होता, लेकिन आप उन बिल्डिंग्स को देखेंगे तो जो बिल्डिंग्स है वह एकदम येलो हो गई है, ठीक है। वो नहीं कि पुराना हो गया बिल्डिंग तो उसका अलग कलर, वो वाला नहीं, प्रॉपर उसी गैस की वजह से। तो सोचो जब दीवारों पर अगर चीज़ें रिएक्ट कर जाएं तो इंसानों पर तो करेंगी ही। तो वही है कि अगर आप उस चीज़ को देखेंगे, अगर आप उस जगह को देखें, या कोई भोपाल का बच्चा है जो मुझे देख रहा हो और आपने इस जगह को बच्चे देखा हो, तो आप आज भी इस यहाँ पर इस त्रासदी को महसूस कर सकते हैं। देखो लगभग वहाँ पर तीन दिन में 8,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। खैर ये तो सरकारी आंकड़े, कितने मरे थे कुछ नहीं पता, कितने कम समय में मरे थे कुछ नहीं पता, ठीक है, कोई आंकड़ा इसके पास नहीं है। लाखों लोग प्रभावित हुए, और आज भी, इवन आज भी जो बच्चे हैं वह वहाँ पर विकलांग पैदा होते हैं, और वह कहीं ना कहीं इसी जो जहरीली गैस है उसी का असर है, ठीक है। इस दुर्घटना की चपेट में आने वाले एक अजीजा जो सुल्तान है वह कहती है कि रात में 12:30 बजे थे, मुझे अपने बच्चे के साथ तेज खांसी जो है उसकी आवाज़ सुनाई दी, मुझे अपने बच्चे की, कमरे में हल्की सी रोशनी थी, मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा है, मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी, सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी, लगता था कि अब मैं आग में सांस ले रही हूँ, और आंखें बुरी तरह से जलने लगी। तो लोगों की जो आइस इफेक्ट हैं, या फिर काफ़ी सारे लोग मर गए थे, और पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुई थी, सारे पशु ख़त्म हो गए थे उस जगह के, और इंसानों को ये 8,000 लोग जो मरे थे इनको ठिकाने लगाने से ज़्यादा तो वो था कि नगर पालिका ये सोचती थी कि अब लोगों को जलाया जाए पहले या पशुओं को जलाया जाए। आप इस त्रासदी को गूगल पर सर्च करके देखना, क्लास खत्म हो जाने दो, उसके बाद ज़रूर देखना कि ये जो त्रासदी है कैसे कंट्रोल किया जाए, आगे आने वाले वर्षों में आप कैसे प्रशासन में आके इस तरह की जो यहाँ पर जो ढीलाशाही बढ़ती गई आप कैसे उसे रोक सकते हैं, इन सब चीज़ों पर आपको सोचना चाहिए, ठीक है। आगे देखो,
यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए क्या किया था, आपके जो सेफ्टी मेजर्स से उन्हें फॉलो नहीं किया, सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नजरअंदाज किया। यहाँ पर देखो रात में भी जो लोग हैं वह लगाए जाते थे ताकि किसी तरह के जो रसायन का रिसाव ना हो सके, लेकिन लोगों की संख्या कम कर दी गई ताकि लोगों को पैसा कम देना पड़े। अगर आपने चार लोग लगाए हैं आपके ज्यादा पैसे जा रहे हैं, दो लोग लगाओगे कम पैसे जाएंगे। तो सेफ्टी मेजर्स का ना फॉलो किया गया, ना ही प्रॉपर यहाँ पर लोग थे। अब आगे देखो गैस का रिसाव जब हुआ, 2 दिसंबर के पहले भी कई बार गैस का रिसाव हुआ था इन सब चीजों के चलते। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत भी हुई थी, बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे, ठीक है। इसके पहले भी, अब देखो इसके पहले भी ऐसी घटना हुई थी, लेकिन उस पर भी प्रॉपर फिर भी प्रशासन हरकत में नहीं आई। सबूतों में यह कहा गया कि महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती जो है वह मानने से इनकार कर दिया। वैसे भी यूनियन कार्बाइड का जो मालिक था पता ही नहीं कहाँ रातों रात खिसक गया, और उसके बाद कभी भी ये इंडिया ही नहीं आया और ना किसी तरह की क्षतिपूर्ति की बात हुई। इसके बाद शुरू होती है कानूनी लड़ाई। पीड़ित की ओर से सरकार यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया। अब याद रखो, क्या दीवानी मुकदमा, 8,000 लोग मारे गए और आपने इसे दीवानी मुकदमा कहा, फौजदारी नहीं कह सकते हैं आपने, बस यही था कि आपने साफ मर्डर नहीं किया, लेकिन 8,000 लोग और पशुओं की तो गिनती नहीं है, मारे तो गए ना इतने लोग। उसके बाद भी क्या कहा, सरकार ने इसे दीवानी मुकदमा करार दिया। बहुत आलोचना होती है सरकार की इस बात पर। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ का जो मुआवजा है उस पर सहमति बनती है, और इस त्रासदी से जीवित बच निकले लोगों के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले जो रसायन है ना वो वहीं छोड़ दिए गए, और उसमें किसी भी तरह से उनके जो अवशिष्ट पदार्थ थे या फिर जो रासायनिक पदार्थ थे उन्हें किसी भी तरह से डिस्पोज नहीं किया गया। और वही बात है, जब विषैले जो रसायन है वही छोड़ दिए गए जो कि रिस कर फिर जमीन में जाते रहे, हवा में घुलते रहे, तो वहाँ का जो पॉल्यूशन की हम अगर बात करें कि हर तरह का लेवल, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, लोगों का हेल्थ केयर तो चलो छोड़ ही दो मुद्दा, अब तो हेल्थ केयर का, ठीक है, वहाँ का पानी भी दूषित हो रहा है, और यह संयंत्र केमिकल जो कंपनी है उसके फिलहाल कब्जे में है, लेकिन किसी भी तरह के ना तो साफ सफाई की व्यवस्था की गई और ना ही किसी तरह का जो जिम्मा है अगला वह उठाया गया, ठीक है। तो ये देखो, जब हम जन सुविधाओं की बात करते हैं, जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, जीने के अधिकार की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ी त्रासदी भी हमारे सामने है, जिसे आप डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर 3 में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो बच्चे आगे देखते हैं, समझ आया सभी को। आप सभी की जो बातें हैं वह मैं पढ़ रही हूँ, डोंट वरी बच्चे, ठीक है। जब अपनी बात करती हूँ तो सोचती हूँ कि पहले मैं उसे कंप्लीट कर दूँ। अब देखो आगे मैं इसी चीज़ का एक फ्लो चार्ट आपको बना देती हूँ ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन, हम कहते तो कि ठीक है गवर्नमेंट क्रियान्वयन कर लेगी, सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन, फर्स्ट है इसमें आर्टिकल 21, फिर से वही मुद्दा, आर्टिकल 21 आपको जीने की स्वतंत्रता देता है, आपके जीवन की स्वतंत्रता है ना, आपके जीवन की स्वतंत्रता है आर्टिकल 21। लेकिन जब हम जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है 2 दिसंबर को, जब होती है भोपाल गैस त्रासदी, अब ये फंडामेंटल राइट कहना नहीं था, बताइए भोपाल गैस त्रासदी, अगर आप जीने के अधिकार की बात करते हो और इस तरह की जो ट्रेजडिया है, इस तरह की जो त्रासदी है, क्या आपका जीवन नहीं छीन रही, कई हजार लोग मारे गए थे, कई लाखों लोग प्रभावित हुए थे, ठीक है, जो भी गर्भवती महिलाएं थी उनके जब बच्चे हुए या तो वह मृत पैदा हुए या फिर कुछ ऐसी एक विशेष रूप से उनमें कहीं ना कहीं विकलांगता, किसी भी तरह की विकलांगता हो, बच्चे कहीं ना कहीं मौजूद थी। आज भी अगर आप विकलांगता या कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे ना तो आपको वहां पर दिखाई देंगे। 2 दिसंबर भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। अब देखो सरकार क्या कर रही थी जब ये मुद्दा हुआ, प्रश्न उठता है कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई तब सरकार क्या कर रही थी,
सरकार ढीलाशाही बरत रही थी। सरकार क्या कर रही थी इस मुद्दे पर, तो बच्चे हम जानते हैं कि सुरक्षा कानून ढीले थे, ठीक है, जो सेफ्टी मेजर्स थे, जो सुरक्षा कानून थे, वह कैसे थे, काफ़ी ढीले थे। जब भोपाल में नगर निगम के अधिकारियों ने आवाज़ उठाई तो इनकी आवाज़ दबा दी गई। भोपाल नगर निगम के जो अधिकारी थे, इन्होंने कहा कि यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री है वह सेफ्टी मेजर्स एंड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रही, तो इनकी आवाज़ को सरकार ने ये कहकर दबा दिया कि अभी हमें सेफ्टी नहीं चाहिए, सेफ्टी इंश्योर हम नहीं करवा सकते यूनियन कार्बाइड से, क्योंकि हमें हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। देखो, यही तो विकास और जीवन की बात होती है, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो इसकी वजह से सरकार ने इन जो कानून है और जो सेफ्टी मेजर्स है, ठीक है। अब देखो, कहा जाता है कि 1978 में जब इसकी स्थापना होती है, मिथाइल आइसोसाइनेट संयंत्र की स्थापना होती है जो कि कीटनाशक को बनाती थी, तब यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री है, यूनियन कार्बाइड यूसी लिख देती हूँ, ठीक है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में साफ सुथरी तकनीक, अब जो तकनीक है देखो, साफ सुथरी, सुथरी नहीं सुथरी, साफ सुथरी तकनीक, स्वच्छ प्रौद्योगिकी भी नहीं थी और सुरक्षित प्रक्रिया, और सुरक्षित प्रक्रिया, इन दोनों चीजों को फॉलो कराना एक इम्पॉसिबल सी बात थी। कैसी थी? एक इम्पॉसिबल सी बात थी, अगर आप इन दोनों चीजों को फॉलो करा रहे हैं, करा ही नहीं सकते। कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होता है, इसके पहले भी कई इस तरह की घटनाएं आती हैं, और एक दिन अचानक से इस तरह की घटना हो जाती है कि कई लाख लोग प्रभावित इससे हो जाते हैं। अब देखो, वो तो भला है कि चलो भाई सुप्रीम कोर्ट है, कि जब सरकार पीछे नहीं हट रही है कि नहीं हम फॉर्म लॉ जैसे है वह एज इट इज हम लागू रखेंगे, सरकार फॉर्म लॉ नहीं, ठीक है, मानते हैं कानूनों में अगर किसी तरह की परेशानी है, कानून अगर आपको लगता है कि लोग नहीं मान रहे, भले परेशानी ना हो, एक मुद्दा यही मान लेते कि भले परेशानी ना हो लेकिन लोगों को दिक्कत है, तो आप उस पर किसी तरह के सरकार का रवैया थोड़ा सा तो उस तरफ से नरम होना चाहिए। अगर लोग नहीं समझ रहे तो हम ही समझ जाएं, भला है सुप्रीम कोर्ट का, है ना, कि उसने स्टे ऑर्डर लगा दिया। अब देखो, तो सरकार की आलोचना यहां पर इन बातों में होती है, सरकार की जो आलोचना है बच्चे वह यहां पर इन बातों में होती है। और वहीं पर देखो, नेक्स्ट हमें समझना है कि आखिर पर्यावरण की रक्षा करना क्या, अगर आपको पर्यावरण फ्री में मिला है, पर्यावरण की रक्षा, जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की बात करें, सरकार की बात करें, तो क्या ये फंडामेंटल राइट नहीं है? अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो आपको फ्री में क्या क्या मिला है? देखो, आपको मुफ्त में नदियां मिली हैं, चाहे आप पानी की बात कीजिए, नदी की बात कीजिए, आप हवा की बात कर लें, ठीक है, आप भूमिगत जल की बात कर लें, ग्राउंड वाटर की आप बात कर लें, तो ये सारी चीजें अगर आपको फ्री मिली है, इसका मतलब ये है कि आप इन्हें बर्बाद करोगे। अगर आपको ये चीजें फ्री मिली है तो इसका मतलब ये है कि आप बर्बाद करोगे। तो अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ठीक है लाओ हम देखते हैं इन्हें। और 1984 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट बनाया, मौलिक अधिकार, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। मौलिक अधिकार में क्या किया बच्चे? शामिल किया, मौलिक अधिकार में शामिल किया पर्यावरण का अधिकार, ठीक है, कहा कि अब आपको स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, ठीक है, ये आपका क्या है? फंडामेंटल राइट है, ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और साथ ही साथ यह भी कहा कि जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं उन पर हम क्या करेंगे? जुर्माना लगाएंगे, ठीक है, इसमें क्या है? जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया। मान लीजिए किसी औद्योगिक इकाई के द्वारा, किसी औद्योगिक इकाई के द्वारा चिमनी नहीं लगाई गई, या फिर बाकी
जो रूल्स होते हैं उसे फॉलो नहीं किया गया कि जो पॉल्यूशन है वह नीचे की लेयर में ही है तो वायुमंडल में, तो उस पर हवा प्रदूषण के लिए जुर्माना, वायु प्रदूषण के लिए जुर्माना। आपने जल को उपचारित नहीं किया और गंदा जल सीधे नदियों में छोड़ दिया तो फिर उसके लिए जुर्माना। आप सभी को याद है कि यमुना नदी को एक जीवित इकाई मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको किसी तरह से कचरा फेंकते हो तो ऐसा माना जाएगा कि आपने किसी व्यक्ति पर कचरा फेंका और उसके लिए फिर आपको 200, 500, 2000 जो भी जुर्माना है वह लगाया गया है ना। तो ये क्या है कि सरकार के द्वारा इस तरह की जो सोच है या फिर इस तरह का जो हम कॉन्सेप्ट की बात करें कि जीवित इकाई का दर्जा देती हुई, चाहे गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, किसी तरह का अगर आपने इसके साथ पॉल्यूशन आप करते हैं तो फिर इसमें क्या होगा, आपको जो जुर्माना है वह पे करना होगा। तो इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है वह क्या करती है, कुछ रूल्स लेकर आती है। अब नेक्स्ट देखो बच्चे इसमें कि अब आप एक और जो SDG गोल है उससे परिचित हो जाइए, जो कि है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9, जो कि बात करता है इंडस्ट्री की इनोवेशन की, इंडस्ट्री इनोवेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, उद्योग नवाचार और मेन्स आंसर राइटिंग के लिए इससे बेहतर बच्चे कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपको बेसिक पता है ना, ये सारी चीजें पता है तो करंट अफेयर तो ठीक है आपके लिए एकदम हलवा हो जाता है। अगर आपने एक बार आपको ये पता है कि कौन कौन से मुद्दे आप इससे जोड़ सकते हो, आप पर्यावरण की रक्षा से कहाँ से सुप्रीम कोर्ट जोड़ना है, कहाँ से UN जोड़ना है, कहाँ से UNDP के SDG गोल जोड़ने हैं, अब आपको इसका एक बेसिक पता है तो आप अपने आप इसका फिर करंट अफेयर से तुरंत रिलेट करके इसको आसानी से लिख सकते हो। SDG जो गोल है 9 में, इसमें ये कहा गया कि उद्योगों में नवाचार हो और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाए, है ना, ये बात इसमें की गई। और साथ ही साथ देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अब हम पेट्रोल की जगह स्वच्छ ईंधन लेके आएंगे या फिर CNG की बात की जाती है, देखो सुप्रीम कोर्ट का एक और जो निर्देश है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इस पर PT में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कंप्रेस्ड नेचुरल जो गैस है इसे आप प्रोत्साहित करेंगे ताकि वायु प्रदूषण कम हो, इसे आप क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे ताकि क्या हो, वायु प्रदूषण कम हो। और स्पेशली हम दिल्ली की जब बात करते हैं तो दिल्ली में तो CNG वाले वाहन ही चलते हैं। अभी इसमें याद रखो सभी बच्चे कि जैसे लास्ट मैंने आपको बताया था कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम कृत्रिम बारिश करा सकते हैं, तो अगर प्रश्न आता है कि किस तरह से दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, NCR में जो पॉल्यूशन हो जाता है, स्पेशली एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण की मैं बात कर रही हूँ, तो कैसे इससे निजात पा सकते हैं, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो, आप आर्टिफिशियल रेन को लिख सकते हो, है ना। तो ये होता है चीज़ों को रिलेट करना, बेसिक भी जानो, करंट अफेयर भी जानो, कैसे कोरिलेट करना है यह भी जानो, और सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे भेज दो। तो इस तरह से आपका पर्यावरण की रक्षा जो है वह खत्म होता है, ठीक है। रक्षा के लिए कानून पर हम बात कर चुके, वैसे ही सतत विकास के लिए जो SDG 8 है उसमें उचित कार्य आर्थिक वृद्धि की बात की जाती है कि सभी के लिए जो वर्क है वह कैसा हो, एक डिसेंट हो एंड उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह जरूर हो। साथ ही साथ देखो जो भी चीजें थी ना वो मैंने आपको सारी समझा दी, ठीक है, तो रीडिंग क्या जरूरत है नहीं बच्चे। अब लास्ट में आपको सबसे लास्ट पेज पर इस किताब के सबसे लास्ट पेज पर एक आपको जीवित आदर्श के रूप में संविधान की बात की जाती है,
जिसे मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करा रही हूँ, आप सभी बच्चों को पढ़ना है। और इसमें स्पेशली बात की गई है बार बार आर्टिकल 18 की, जैसे कि हमने बार बार आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 को ध्यान में रखकर बार बार सारे जो अधिकार हैं वह हम सभी को प्रोवाइड किए गए, चाहे हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, चाहे वाटर हो, सैनिटेशन हो, है ना। तो जीवन के अधिकार के रूप में कैसे संविधान के द्वारा यह दिया गया है, एक बार पीडीएफ में बच्चे आप देख लीजिएगा। क्लियर? आप चलो आओ आगे आते हैं। तो कल आप सभी की जो क्लास है बच्चे, ठीक है, वह एक रिवीजन क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी? एक रिवीजन क्लास होगी। और इस रिवीजन में हम क्या करेंगे, सारे जो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी है, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी है, इसे मैं आप सभी को समझाऊंगी। जो मेन मुद्दे हैं उस पर हम जरूर बात करेंगे सभी में। क्लियर है? तो आपका जो भी चैप्टर छूट रहा है उस पर भी हम कल बात कर लेंगे। क्लियर है? चलो तो आज के लिए बच्चे सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें जो भी आपका छूटा हुआ है उसकी बात हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सो थैंक यू वेरी मच। एक बार मैं आप सभी के जो कमेंट्स हैं वह देख लेती हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ, आज का पीडीएफ सुरेश जरूर अपलोड होगा, डोंट वरी। क्लास खत्म होगा और आपको जो ये पीडीएफ है वह मिल जाएगा। एसडीजी का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। अच्छा, रिवीजन वाली क्लास का कहने वाली थी निशा। ठीक है, रिवीजन तो मैं कराती ही हूँ, चूंकि 6, 7 छोटे छोटे थे, उनका बहुत ज्यादा तुरंत रिवीजन का कोई तुक नहीं बनता था। अब हम उसका जो रिवीजन है वह कर लेंगे 6, 7 और 8 का। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास में लगातार हमसे जुड़े रहें, फालतू की चैट कम करा करो। ठीक है, टाइम मिल रहा है, अच्छी क्लासेस मिल रही हैं, तो उसका फायदा उठाओ। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चे, एक सिंसियरिटी आप में होना चाहिए। एसएससी के हों, बैंक के हों, पीसीएस के हों या यूपीएससी के हों, तो एक स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा अनुशासित होना चाहिए। ये नहीं है कि ऑनलाइन है, दिख नहीं रहे हो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ठीक है, दिख नहीं रहे, खुद को तो पता है ना कि मैं किससे किस तरह की बातें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखा करो उस चीज़ पर। और अगर नहीं करोगे तो फिर ब्लॉक करने के लिए तो हम खड़े ही है, टीम है ही, है ना। अच्छे से मान जाओ, प्यार से मान जाओ। चलो खैर, सो सभी बच्चों के लिए शुक्रिया। आसिम, रोहित, साबिया, अच्छी चीज़ है बच्चे, आपको क्लास समझ में आई। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अब हम मिलते हैं कल की क्लास पर, जो कि होगा आपका रिवीजन का क्लास। और अगर आप सभी को लगता है कि कोई एक ऐसा टॉपिक करंट अफेयर पर जिसका हमारी चर्चा होनी चाहिए, उस तरह के टॉपिक्स भी मैं लेकर आऊंगी। स्पेक्ट्रम की सूचना भी आप सभी को जल्दी ही मिल जाएगी, हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम, क्योंकि क्लास की व्यस्तताओं के चलते बच्चे समटाइम्स जो क्लासेज है वह कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेक हो जाती है ना। तो जो आपका सीरीज है, जो फ्री लाइव क्लासेज में मैं आप सभी को स्पेक्ट्रम करा रही हूँ अनअकैडमी एप्लीकेशन पर, बहुत जल्द मैं कराऊंगी, परेशान नहीं होना उसके लिए। चलिए, सो अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर एंड सपोर्ट करते रहे, क्योंकि यही हमारा एप्रिसिएशन है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिखते हैं उतना उत्साह हमारा भी बना रहता है पढ़ाने के लिए। तो आप सभी जुड़े रहे बच्चे, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अब हम कल की क्लास में। थैंक यू।